गाइस स्वागत है आपका टेक विद क्रिश चैनल पर। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट टेक रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि अगर हमें यूट्यूब पर ग्रो करना है तो उसके लिए यूट्यूब ने बहुत एक अच्छी ऐप बनाई है, जिसकी मदद से हम अपने चैनल की हर डिटेल पर आसानी से नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम उन डिटेल्स को अच्छे से देखें, मतलब अच्छे से अगर हम डिटेल्स को समझेंगे, तो हम अपने YouTube चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ YouTube के स्टूडियो ऐप की, जो हर YouTube क्रिएटर के पास तो होती है, बट वो उस ऐप को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका चैनल ग्रो होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको YouTube स्टूडियो ऐप के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, मतलब उस ऐप के अंदर जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी फीचर्स YouTube ने उस ऐप में हमें दिए हैं, आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी अपने YouTube चैनल को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐप आपको आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में ही मिल जाती है। तो अगर हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो होगा। ऊपर आप देख सकते हैं आपके चैनल का नाम शो होगा, नीचे आपके जितने भी YouTube पर सब्सक्राइबर्स है वो आपको शो होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिटिक्स लिखा है, मतलब आपके चैनल के रिलेटेड जो भी बारीकी वाली डिटेल्स हैं, मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, मतलब जो भी आपने वीडियो तुरंत डाली है, लेटेस्ट वीडियो आपकी जो भी आपके चैनल पे होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी, उसके व्यूज़ आपको यहाँ पे शो होंगे, साथ ही साथ एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम भी यहाँ पे आपको दिखेगा। नीचे आपकी जितनी भी वीडियो है वो आपको यहां पे शो होंगी, साथ ही साथ उसके नीचे जो भी आपको कमेंट्स आए हैं वो भी आपको यहां पे दिखेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर हम एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू मोर पे मैं क्लिक करूंगा, अब यहां मेरे चैनल की सारी डिटेल्स यहां पे मुझे शो होंगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है रियल टाइम व्यूज, तो मतलब जितने भी आपको 48 आवर्स में, लास्ट 48 आवर्स में जितने भी व्यूज आए हैं वो यहां पे आपको शो होंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं टॉप वीडियोस, मतलब चैनल पे आपके जो भी टॉप वीडियोस है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ और वॉच टाइम आया है वो वीडियोस यहाँ पे आपको शो होंगी, साथ ही साथ लास्ट 48 आवर्स में यहाँ पे जो भी इनको व्यूज़ आए हैं वो भी व्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब इसके नीचे वॉच टाइम, मतलब लास्ट 28 डेज में कितना आपके चैनल पे वॉच टाइम आया तो वो यहाँ पे शो होगा। मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 14,000 घंटे का वॉच टाइम आया लास्ट 28 डेज में। अब इसके नीचे सब्सक्राइबर्स, लास्ट 28 डेज में मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं वो भी यहाँ पे शो होगा। अब सब्सक्राइबर्स के नीचे टोटल व्यूज़ यहाँ पे आपको शो होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उसने कितना पैसा कमाया है, योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू, मतलब टोटल अर्निंग यहाँ पे शो होगी। और नीचे फिर से यहाँ पे टॉप वीडियो शो होंगी, मतलब कौन सी वीडियो कितना ज़्यादा पैसा कमा रही है, मतलब आपके चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा किस वीडियो ने कमाया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। अब दोस्तों यहाँ रीच पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रेशंस लिखा है, मतलब आपकी वीडियो को यूट्यूब ने दूसरों तक कितनी बार दिखाया वो होता है इंप्रेशन, और नीचे है इंप्रेशन CTR जो कि मेरा लगभग 15% है, मतलब वीडियो दिखाने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया। अब नीचे ट्रैफिक सोर्स टाइप, मतलब आपकी जो वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूट्यूब सर्च से, लगभग 93.5% मेरे यहाँ यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं, उसके बाद अदर यूट्यूब फीचर, ब्राउज फीचर और एक्सटर्नल, मतलब मैक्सिमम जो मेरे व्यूज़ हैं वो यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। अब टॉप एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब यूट्यूब के बाहर से कितने ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वीडियो कहाँ शेयर की जा रही है आपकी, तो मेरी वीडियो जो है व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है, उसके बाद गूगल सर्च में मेरी वीडियो आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप और गूगल सर्च सबसे ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब मेरी जो वीडियो है वो लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं और गूगल सर्च में भी मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब इसके बाद टॉप YouTube सर्च आइटम, मेरी वीडियो के हिसाब से लोगों ने YouTube पे क्या क्या सर्च किया हुआ है तो वो यहाँ पे मुझे शो होगा, और उसके नीचे लिखा है टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, मतलब दूसरों की वीडियोस जो मेरा कंटेंट सजेस्ट कर रही है, मतलब वीडियो के नीचे आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी वीडियोज़ हैं जिनके नीचे मेरी वीडियो शो हो रही है, जिस पे लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो वीडियो यहाँ पे शो होंगी। अब उसके नीचे लिखा है टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, तो यहाँ पे टेक विद क्रिश, FS19 और व्हाट्सएप, मतलब ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे लोग जाके मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वो टॉप प्लेलिस्ट है जिसपे विजिट करके लोग मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एंगेजमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा। अब उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप प्लेलिस्ट, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ये वो प्लेलिस्ट शो हो रही है, इसमें सबसे पॉपुलर जो मेरी प्लेलिस्ट है वो है आईफोन ट्रिक्स,
उसके बाद WhatsApp, उसके बाद पॉपुलर अपलोड्स और नीचे आप देख सकते हैं टॉप कार्ड, मतलब जो भी आई बटन पे मैं वीडियो लगाता हूँ तो वो वीडियो यहाँ पे मुझे शो हो रही है कि कौन सी वीडियो नंबर वन पे और कौन सी नंबर टू पे है। अब यहाँ पे मैं ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर दिखा रहा है कि 76% मेल मेरी वीडियो देखते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो सिर्फ 24% मेरी वीडियो देखती हैं। इसके बाद एज दिखा रहा है कि कौन कौन सी एज के लोग कितनी ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है और 13 से 17 साल के लोग लगभग 14% है और सबसे कम जो है वो 65 प्लस है। अब इसके बाद टॉप ज्योग्राफीज़, मतलब कौन सी कंट्री में मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान में, फिर नेपाल में, बांग्लादेश में और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने परसेंट के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और यहाँ पे नीचे सबटाइटल के बारे में लिखा है और यहाँ पे वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स लिखा है। तो नॉट सब्सक्राइब 99.8% है, मतलब मेरी वीडियो देख के जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सिर्फ 0.2% है। तो इसीलिए गाइज मैं कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब ये चीज़ बहुत कम है और ये देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आता है और अपने चैनल पे तरस भी आता है सही बताऊँ तो यार अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिवेन्यू का, तो टोटल रिवेन्यू मतलब जितना मेरे चैनल पे आया है वो यहाँ पे रिवेन्यू शो हो रहा है। तो RPM मतलब हुआ रिवेन्यू पर मिले, मतलब 1000 व्यूज़ में मुझे एवरेज कितना डॉलर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग आधा डॉलर मुझे मिल रहा है 1000 व्यूज़ का, और नीचे आप देख सकते हैं जो भी मेरी टॉप अर्निंग वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है, और जो दूसरी कंट्रीज़ में एड का रेट चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 1000 व्यूज़ में USA में $7 मिल रहे हैं, UK में $5 मिल रहे हैं, फ्रांस में $2। तो ऐसे ही आप रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के यहाँ पे डॉलर देख सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गई एनालिटिक्स की बात, जो मैंने आपको बारीकी से बताया कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वीडियोस, तो जो आपकी सारी वीडियोस चैनल पे डली है वो यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद नीचे प्लेलिस्ट, तो जो भी प्लेलिस्ट आपने बनाई है वो यहाँ पे आपको शो होंगी। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है कमेंट्स, जो भी कमेंट्स आपकी वीडियो पे आते हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, जिनका रिप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनालिटिक्स लिखा है जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो गाइस टोटल यही है YouTube स्टूडियो की ऐप, और यही है वो सारी डिटेल जो YouTube हमें बताता है, जिसको अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हम अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि YouTube पर ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट अगर हम मेहनत करेंगे और किस्मत हमारा साथ देगी तो YouTube पर ग्रो करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बाकी गाइज़ YouTube को लेके अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगा आपसे कल फिर मैं एक नई लेटेस्ट YouTube अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।